महिला के कान में फटा इस कंपनी का ईयरबड्स, हमेशा के लिए खत्म हुई सुनने की क्षमता। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक महिला के कान में ईयरबड्स फट गया है, जिसके बाद वह हमेशा के लिए बहरी हो गई है। आपने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ईयरफोन यूज करते देखा होगा। ये लोग कभी भी ईयरबड्स का यूज नहीं करते हैं क्योंकि इनसे पता है कि ईयरबड्स यूज करना इन्हें कितना महंगा पड़ सकता है। ईयरबड्स में लिथियम की बैटरी यूज की जाती है, जिससे इन्हें चार्ज किया जाता है, और ज्यादा यूज करने से ईयरबड्स की बैटरी गर्म होकर कान में ही ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन ईयरफोन में बैटरी का यूज नहीं किया जाता है, इसीलिए ईयरफोन सेफ होते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि ईयरफोन कान में ब्लास्ट हो गई। यदि आप भी दिन भर ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं और कानों में लगाकर घूमते रहते हैं, तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक महिला के कान में ईयरबड्स फट गया है, जिसके बाद उसके सुनने की क्षमता हमेशा के लिए खत्म हो गई है। इस घटना की रिपोर्ट सैमसंग के तुर्की फोरम पर की गई है, जिससे कंपनी के नए ईयरबड्स की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इस घटना की तुलना सैमसंग के पिछले गैलेक्सी नोट 7 बैटरी संकट से की जा रही है। फोरम पर एक यूजर ने दावा किया कि ईयरबड्स का इस्तेमाल करते समय उसकी गर्लफ्रेंड के कान में ईयरबड्स फट गए, जिससे उसकी सुनने की क्षमता खत्म हो गई है। शिकायत के बाद सैमसंग ने नए ईयरबड्स देने की पेशकश की है, लेकिन सुरक्षा को लेकर कुछ नहीं कहा है। सैमसंग ने इस पूरे मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। इस घटना के बाद ये सवाल सामने आ रहा है कि क्या अन्य यूजर्स पर इस तरह की किसी घटना के शिकार हो सकते हैं। सैमसंग ने अभी तक ये भी नहीं बताया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित यूजर सैमसंग की जिम्मेदारी न लेने से निराश है। ये घटना सैमसंग के गैलेक्सी नोट 7 संकट की याद दिलाती है, जब बैटरी में लगातार आग लगने के बाद सैमसंग को अपने स्मार्टफोन का वैश्विक स्तर पर रिकॉल करना पड़ा था। सर्विस सेंटर ने कह दी ये बड़ी बात। रिपोर्ट के अनुसार, जब युवक पहली बार खराब ब्लास्ट हुए ईयरबड्स लेकर सर्विस सेंटर गया, तो सर्विस सेंटर के कर्मचारी उसकी हालत देखकर माफी मांगते नजर आए। हालांकि 2 दिन की जांच के बाद उन्होंने कथित तौर पर निष्कर्ष निकाला कि बड्स केवल डैमेज हुए हैं, उनमें कोई ब्लास्ट नहीं हुआ है। सर्विस सेंटर के कर्मचारियों ने उन्हें केवल उसी ईयरबड्स के मॉडल का रिप्लेसमेंट का ऑफर दिया और ये तक कहा कि वे ऑफर लें या फिर छोड़ दें। सर्विस सेंटर वालों ने ये तक कह दिया कि वो लीगल एक्शन के लिए भी स्वतंत्र हैं। आप ना करें ये गलती। आजकल बाजार में मिलने वाले ज्यादातर ईयरबड्स वाटरप्रूफ या रेसिस्टेंट होते हैं। स्मार्टफोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की तरह ही ईयरबड्स में भी लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर ईयरबड्स के बड्स में से लेकर तक की बैटरी दी जाती है। ऐसे में ईयरबड्स को इस्तेमाल करने से पहले ये चेक करना चाहिए कि कहीं उसके बड्स गर्म तो नहीं है। ऐसा बड्स में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हो सकता है। हालांकि इनमें किसी भी तरह की लीकेज होने पर इसमें शॉर्ट सर्किट होने की संभावना पैदा हो सकती है। रात में बड्स लगाकर सोना रिस्की। बहुत लोगों की आदत होती है कि वो कान में ईयरबड्स लगाकर सो जाते हैं। बड्स में फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक चल रहा होता है। अगर आप भी इन्हीं लोगों में से हैं, तो आप कान की हेल्थ के लिहाज से सही नहीं कर रहे हैं। ऐसा करना आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।